आज हम बोलबाला करने वाले हैं फेक न्यूज का। मतलब व्हाट्सएप पे आप लोगों को कोई भी न्यूज मिल जाती है, आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेते हो। नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप करते हो तो शायद आप गलती कर रहे हो। और इसी बारे में आज बात करेंगे, कैसे आप किसी भी न्यूज का पर्दाफाश कर सकते हो, पता लगा सकते हो वो असली है नकली है। वैसे सिर्फ व्हाट्सएप पे ही ऐसा नहीं होता है, और भी जगह पे होता है। वीडियो पूरा देखना, आपको सब कुछ पता चलने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करके जाना, चैनल पे नए आ गए हो, वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना, ताकि आगे मैं वीडियोज बनाऊं, आप लोग आगे भी उन वीडियोज को एंजॉय कर पाओ। अब देखो, फेक न्यूज के बारे में बात करते हैं तो अभी की ट्रेंडिंग जो फेक न्यूज चल रही है, दो तीन चल रही है वो आपको बता दूं। अभी मैं मई 2021 में वीडियो बना रहा हूं तो इस समय पे क्या चल रहा है। पहली न्यूज तो ये चल रही है कि 5G की वजह से पक्षी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। देखो, थोड़ा बहुत इस बात में सच्चाई हो भी सकती है, मैं बिल्कुल इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन पूरी तरह से ये फेक न्यूज हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका अभी भी कोई ढंग का सोर्स नहीं मिला है। दूसरी खबर हमें क्या पता चलती है कि वैक्सीन लगवाने से लोग मर रहे हैं। भाई, पूरी दुनिया वैक्सीन लगवा रही है और पूरी दुनिया के वैक्सीन लगवाने का मकसद ये है कि लोगों की जान बच सके, लोगों की जान चली जाए, ये मकसद नहीं है। तो ये भी एक फेक न्यूज है। और अब बात करेंगे कि फेक न्यूज को आप स्पॉट कैसे कर सकते हैं। चाहे आपको व्हाट्सएप पे किसी ने वो भेजी हो, कोई इमेज हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, किसी वेबसाइट पे आपने पढ़ लिया हो, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां पे भी आपको मिली है, आप उसे कैसे वेरीफाई कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको देखनी है सोर्स, कि वो न्यूज आपके पास में आई कहां से है, आपने कहां पे पढ़ी है वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो न्यूज कहां से आई है आप उसका सोर्स देखना होगा। अगर किसी ऐसी ऐरी गैरी वेबसाइट की तरफ से आ गई है जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं वो न्यूज ऐसे ही किसी नौसिखिए ने वहां पे लिख दी होगी। एंड इंटरनेट पे जो भी चीज लिखी होती है जरूरी नहीं वो सही है, तो आपका उस पर ट्रस्ट करना बिल्कुल गलत है जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लेते। और अगर वो न्यूज किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई नहीं है तो भी हो सकता है उसका कोई अच्छा सोर्स हो, किसी ऐसे इंसान ने आपको बताया हो जो उस फील्ड में जानकारी रखता हो, तो वो न्यूज सही हो सकती है। और किसी के मुंह से आपने ऐसे सुन लिया रास्ते में जाते हुए तो जरूरी नहीं है वो न्यूज अच्छी है। तो सोर्स का आपको ध्यान रखना है कि वो न्यूज आखिर आई कहां से है। अब देखो, दूसरे केस में क्या होता है, आपको कई बार आपके फोन में एप्स डली हुई है, या फिर आपने अखबार में कोई हेडलाइन पढ़ ली है, या फिर किसी वेबसाइट पर आपने कोई हेडलाइन पढ़ ली है, तो वहां पर आप न्यूज पढ़ते हो और आपको लगता है कि मैंने हेडलाइन पढ़ के पूरी न्यूज का पता लगा लिया। तो भाई, कई बार वो चीज गलत होती है। हेडलाइन को थोड़ा घुमा फिरा के और थोड़ा मिर्च मसाले लगा करके बनाया जाता है अट्रैक्टिव, ताकि आप उस न्यूज़ को पूरी पढ़ो। लेकिन कुछ लोग अल्ट्रा लेजेंड होते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे हेडलाइन में पूरी न्यूज़ का पता चल गया, मैं न्यूज़ नहीं पढ़ूंगा, और उस हेडलाइन को सारे में गाते फिरते हैं, उसका बखान करते फिरते हैं, वो चीज़ बिल्कुल गलत हो जाती है। जबकि असलियत में अगर आर्टिकल देखें तो हो सकता है उसके अंदर न्यूज़ कुछ और ही लिखी हो। तो आपको सिर्फ हेडलाइन पर भरोसा नहीं करना है, पूरा न्यूज़ पढ़ना है, उसके बाद ही आप लोग किसी नतीजे पर पहुँच सकते हो। और एक और मेन फैक्टर जो है वो है डेट। अब डेट क्या, मान लो आज के समय में क्या चल रहा है कि पक्षी मर रहे हैं 5G से। अब इसके लिए व्हाट्सएप पे बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं जहाँ पे पक्षी ज़मीन पे पड़े हुए हैं, और पता नहीं कब की वो फोटो है, हो सकता है किसी पुराने हादसे की हो, किसी दूसरी कंट्री की हो और कुछ समय पहले की हो, लेकिन उसको अब शेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा कि डेट क्या है एक्चुअल में? तो आपको इसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी होगी, जो मैं तरीके बता रहा हूँ उनका। तो जरूरी नहीं है वो जो फोटो आपको दिखाया गया है वो वास्तव में इसी समय से ताल्लुक रखता हो, इसी जगह से ताल्लुक रखता हो, हो सकता है किसी और समय या फिर किसी और जगह का वो फोटो हो। तो आपको इस तरह से किसी भी फोटो पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी खुद की थोड़ी सी रिसर्च भी करनी चाहिए। अब देखो, कोई भी न्यूज़ आपके पास में आती है, किस माध्यम से आई है उस बात का फर्क नहीं पड़ता। आपको वेरीफाई करने के लिए ये देखना है कि उस न्यूज़ के बारे में सिर्फ वहीं पे बात चल रही है या उसके अलावा किसी दूसरी पब्लिकेशन के लोग भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी दूसरी वेबसाइट पे भी वो न्यूज़ छपी हुई है, या फिर कोई और भी उसके बारे में बात कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो अगर एक से ज़्यादा लोग एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और सेम बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो खबर पूरी तरह से सही है। और अगर कोई एक दो इंसान ही उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो लोग रूमर बना रहे हैं, किसी झूठी न्यूज़ को फैलाने की कोशिश वहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको उस पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए कि कितने लोग एक्चुअली उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, कई बार क्या होता है, आपको कोई खबर बताने के लिए कोई इमेज दे दी जाती है और उस इमेज के अंदर चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते हो। एक इमेज है जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो गाय के पीछे हाथ लगा कर आप लोग समझ सकते हो गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं। तो लोग मानते हैं कि हाँ भाई, वो इतने ज़्यादा अंधभक्त हैं कि वो डायरेक्टली गौमूत्र पीने लग रहे हैं। अब उस इमेज के बारे में जब रिसर्च की गई तो पता चला कि वो ना एक नल पे, जो नल होता है उस पे पानी पी रहे थे और फोटोशॉप करके उस इमेज को बनाया गया था, वहाँ पे गाय अलग से लगाई गई थी। तो इस तरह से किसी भी इमेज को आपको सीरियसली नहीं लेना है। इमेजेस आजकल बहुत ज़्यादा एडिट की जाती हैं फोटोशॉप से और उनका न्यूज़ होती कुछ है, उसको बता कुछ और दिया जाता है। तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है,
अब इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, आपको जाना है एक वेबसाइट पे images.google.com पर, आपको अगर कोई इमेज मिली है तो उसको सिंपली वहां पे अपलोड कर देना है, उससे रिलेटेड इमेजेस आपको वहां पे दिख जाएंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इमेज एक्चुअल में क्या थी। वहां पे असली इमेजेस और नकली इमेजेस दोनों आएंगे और आप वहां पे देख करके साफ साफ अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास जो खबर आई है न्यूज के फॉर्म में वो सही है या फिर गलत। अब देखो इसके लिए आपको एक सोर्स और बता दूं, गूगल फैक्ट चेक। आपको सर्च करना है किसी भी ब्राउजर में और वहां पे आपको पूरा का पूरा एक क्या कहते हैं गूगल की तरफ से एक वेबसाइट या फिर कुछ भी आप समझ सकते हो इंटरफेस बना हुआ मिल जाएगा। एंड वहां पे जाकर के आपको आपकी स्टोरी के जो भी कीवर्ड्स हैं, मान लो कोई भी आपके पास में स्टोरी आती है उसके दो तीन शब्द, जैसे मान लो यूपी में लगा कर्फ्यू, तो आपको ये चीज वहां पे डाल देनी है। अब ये बात अगर सच होगी, ये एग्जांपल के लिए था, सीरियसली मत लेना कि सिर्फ यही बात है, आपका जो भी स्टोरी है वो वहां पे आप टाइप कर सकते हो और अगर उसके बारे में कोई खबर होगी पुख्ता और भी लोग उसके बारे में बात कर रहे होंगे तो उस फैक्ट चेक पे आपको वो खबर मिल जाएगी। अगर वो फेक होगी तो आपको वहां पे कोई भी खबर नहीं मिलेगी। ये भी एक अच्छा तरीका है किसी न्यूज की पुष्टि करने का कि वो न्यूज एक्चुअल में सही है या फिर नहीं है। अब देखो कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप में से जो ट्विटर चलाना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं करते। जो नहीं करते उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि ट्विटर चलाना शुरू कर दो, वहां पे बहुत सारी अच्छी अच्छी और ऑफिशियल खबरें मिलती हैं ऑफिशियल लोगों के द्वारा, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ट्विटर पे एक अकाउंट है जिसका नाम है PIB फैक्ट चेक। अब वहां पे जो अक्सर आपकी अफवाहें उड़ती रहती है ना कि आप नीम का और पीपल का पत्ता मिला के खा लो तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, इस तरह की जो भी खबरें उड़ती हैं भाई उनको लेकर के फैक्ट चेक होता है और उनका पता लगाया जाता है कि क्या असली है क्या नकली है। और ये जो अकाउंट मैं आपको बता रहा हूँ वेरीफाइड है, गवर्नमेंट अकाउंट है, गवर्नमेंट की तरफ से है, आप इस पर देख सकते हैं, इधर उधर मैं आपके लगा दूंगा तो आप देख सकते हैं, इस पर ब्लू टिक भी है, तो वहां जाकर के भी आप अपने बहुत सारे भ्रम दूर कर सकते हैं और जो फर्जी खबरें हैं उनसे बच सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिनकी मदद से आप फेक न्यूज से बच सकते हैं, फेक न्यूज को फैलाने से बच सकते हैं। एंड आपका फर्ज बनता है किसी भी फेक न्यूज पे इस तरह से आप भरोसा ना करें, पहले थोड़ी सी रिसर्च कर ले, पता लगाएं वो खबर सही है या फिर नहीं है और उसके बाद ही उसे आगे शेयर करें। आप लोग क्या करते हैं कई बार खुद भी नहीं पढ़ते हैं और आंख बंद करके उसको आगे भेज देते हैं लोगों में, इसी तरह से झूठा जो ज्ञान है वो फैलता रहता है, झूठी जानकारी फैलती रहती है, उसके नतीजे कई बार बहुत भयानक भी हो जाते हैं। कुछ केसेस में तो देखा गया फेक न्यूज की वजह से मर्डर तक के भी हो गए। वो स्टोरी एक अलग हो जाती है, मैं आपको नहीं बताने वाला, लेकिन बस इतना कहना चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको कौन सी खबर कहां से मिल रही है उसको वेरीफाई करें, उसके बाद ही आगे शेयर करें। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई सवाल सुझाव कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया हैंडल्स पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट वीडियो चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, VGM शॉर्ट्स के नाम से हमने चैनल बना दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलता हूं किसी आने वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। एंड हां बाय द वे, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आगे जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। मिलता हूं आपसे आने वाले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।